आज हम बना रहे हैं बिल्कुल ढाबा स्टाइल काली मसूर की दाल। तो चलिए इसकी रेसिपी ट्राई करते हैं। आज हम बनाएंगे काली मसूर की दाल, और ये मैंने 1 कप दाल ली है और लगभग आधे घंटे के लिए इसे मैंने पानी में भिगो करके रख दिया है। अब आधे घंटे बाद हम इसका बाकी प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। अब हम डालेंगे हमारे कुकर में 2 से 3 बड़े चम्मच घी। ये मैंने लिए हैं 3 मीडियम साइज के प्याज और इन्हें हम अच्छे से सौते करेंगे। इन्हें हम हल्का ट्रांसल्यूसेंट होने तक पकाएंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे बारीक कटे हुए लहसुन और अदरक। लहसुन अदरक हम प्याज के बाद इसलिए ऐड करेंगे जिससे कि ये बिल्कुल गल ना जाए और इनका एक फ्लेवर हमारे दाल में बना रहे। इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमारे प्याज अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब हम उसमें ऐड करेंगे ये टमाटर। ये मैंने 3 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं और इन्हें बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। एक हल्का सा मिक्स देंगे, फिर अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे सूखे मसाले। सूखे मसालों में हम ऐड करेंगे 1/4 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून हम ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और कलर भी। ये मैं 1/2 टीस्पून ऐड कर रही हूँ जीरा पाउडर और 1 टीस्पून है धनिया पाउडर। इन्हें मिक्स करेंगे। हम ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून नमक। अभी हम कम नमक ऐड करेंगे जिससे हमारे टमाटर अच्छे तरह से पक जाए, और जब हम दाल ऐड करेंगे तब हम बाकी बचे हुए अपने नमक की क्वांटिटी ऐड करेंगे। अब हम अपने कुकर के लिड लगा के रख देंगे लगभग 4 से 5 मिनट के लिए। 4-5 मिनट हो गए हैं। अब हम अपने मसाले की कंडीशन एक बार चेक करेंगे। तो हमारे मसाले ने देखिए अपना घी रिलीज कर दिया है। ये परफेक्ट स्टेज है, इसका मतलब हमारा मसाला पक चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे हमारी दाल। हमारी दाल फूल के बिल्कुल रेडी है। इसे पानी में भिगोने से ये इसको पकने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अब हम इसे ऐड करेंगे हमारे मसाले में। अब हम अपने दाल को अपने मसाले में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, कोट करेंगे। हम तुरंत इसमें पानी ऐड करके इसमें सीटी नहीं लगाएंगे, वरना उससे हमारे दाल में एक उबला उबला सा टेस्ट आएगा। अब हम लगभग 4 से 5 मिनट अपने दाल को इसी मसाले में कोट होने देंगे, उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। हमारी दाल मसाले में अच्छी तरह से कोट हो गई है। अब हम इसे ढक के 4 से 5 मिनट रख देंगे, फिर हम इसे पानी डाल के हम इसे बॉईल। 5 मिनट हो गए हैं और हमारी दाल मसालों में अच्छी तरह से कोट हो चुकी है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जब आप इसे ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा, ये स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट है। पानी हम ऐड करेंगे अपने दाल की क्वांटिटी के हिसाब। जितनी हमारी दाल है हम लगभग उसे 2 इंच ऊपर तक पानी ऐड करेंगे, क्योंकि ये दाल गाढ़ी हो जाती है टाइम के साथ। इसलिए हम इसमें जितनी हमारी दाल है उससे हम लगभग 2 इंच ऊपर पानी रखेंगे। ये हमारा मेजरमेंट पूरा हुआ। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। 1/4 टीस्पून नमक हम ऐड कर चुके थे पहले ही, तो हमने ये ऐड किया 1 चम्मच और 1/2 चम्मच। अपने दाल को एक अच्छा सा मिक्स देंगे और अब हम इसकी लिड लगा देंगे। लिड लगा के हमें इसे मीडियम फ्लेम पे लगभग 4 सीटियों तक पकाना है। तो अब हम मिलेंगे 4 सीटियों के। 4 सीटियों के बाद ये है हमारे दाल की कंडीशन। अब हमारी दाल बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है, तो इससे हम एक पतली कंसिस्टेंसी देंगे। अगर आपको दाल गाढ़ी पसंद है तो आप इसमें कम पानी ऐड करें, अगर आपको पतली तो आप अपने दाल की कंसिस्टेंसी के हिसाब से आप पानी ऐड कर सकते हैं। ये मैंने लगभग 1/2 कप वाटर और इसमें ऐड किया है, और इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे बारीक चॉप किया हुआ धनिया।
इसे हल्के हाथों से हम मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा जोर से मिक्स करने से हमारे दाल टूट सकते हैं, इसलिए हमने हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। आप इस दाल को गाढ़ा बना करके आप इसे पराठे या अपनी रोटियों के साथ भी आप एंजॉय कर सकते हैं। इसमें हम थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे एंड हियर वी गो। हम अपने तड़का पैन में बारीक चॉप किए हुए लहसुन अच्छे से फ्राई कर लेंगे, फिर हम इसका तड़का लगाएंगे। इसमें हम कई चीजें ऐड करेंगे, तो आप उसका सीक्वेंस ध्यान में रखिएगा कौन सी चीज पहले डालनी है। सबसे पहले हमने लहसुन डाला है, जब लहसुन पक जाएगा फिर हम आगे की चीजें ऐड करेंगे। हमारे लहसुन का कलर ब्राउन हो गया है, अब हम इसमें ऐड करेंगे जीरा। अगर हम जीरा पहले ऐड कर देंगे तो हमारे जीरा जल जाएंगे, इस वजह से हम अब ऐड करेंगे जीरा। और जीरा स्प्लटर होने के बाद हम ऐड करेंगे हींग। 1/4 टेबलस्पून हींग ऐड किया, अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा डेकोरेटिव पर्पस के लिए हम ऐड करेंगे 1/4 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, अच्छे से मिक्स कर देंगे। तड़का ऐड करने के बाद अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। बिल्कुल ढाबा वाले दाल का टेस्ट आएगा अगर ये रेसिपी फॉलो करेंगे। आने वाले वीडियोस के लिए देखते रहिए स्वाद उत्सव। थैंक यू।